વાપીમાં વાપી મેડિકલ ડોક્ટર એસોસિએશન દ્વારા ડોક્ટરના વાયરસને લઈને એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઉપસ્થિત એસોસિએશનના પ્રમુખ અને અન્ય ડોક્ટર્સે જણાવ્યું હતું કે કોરોના વાયરસનો વાપીમાં એક પણ કેસ સામે આવ્યો નથી, પરંતુ આ વાયરસનો હાલ કોઈ ચોક્કસ ઉપચાર ના હોય, લોકોએ સતર્ક રહેવું એ જ સૌથી મોટો ઉપચાર છે. વાપીમાં કોરોના વાયરસને લઈને લોકોમાં ફેલાયેલા ભ્રમને દૂર કરી લોકો સાવચેત રહે તે માટે વાપી મેડિકલ ડોક્ટર એસોસિએશન દ્વારા એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઉપસ્થિત મેડિકલ એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રકાશ શાહ હરિયા, હોસ્પિટલના સિનિયર ફિઝિશિયન SSC રેમ્બો હોસ્પિટલના ડોક્ટર વિનીત પટેલ કોરોના વાયરસ અંગેની ગંભીરતા અંગે ઉપયોગી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે કોરોના વાયરસની હાલમાં કોઈ જ દવા શોધાઈ નથી, ત્યારે લોકોએ તેનાથી ભયભીત થયા વગર સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. આ વાયરસનો વ્યાપ વધશે તો તેની અસર ડોક્ટર, નર્સ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ પર પણ થશે, જેનાથી દેશમાં ખૂબ જ મોટી મુસીબત ઉભી થશે એવી સરકારની તમામ સૂચનાઓનું પાલન કરવામાં આવે અને સતર્કતા રાખવામાં આવે તો વાપીમાં કુલ 56 લોકો વિદેશ પ્રવાસથી આવેલા, તેમની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી છે અને તેમાંથી એક પણ કોરોના પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યો નથી, એટલે લોકોએ અફવાથી દૂર રહેવું તેવી સલાહ પણ એસોસિએશને આપી હતી. મેડિકલ એસોસિએશન ડોક્ટર્સ કા પ્રેસિડેન્ટ હું ઓર મેરે સાથ હૈ મેરે કલીગ સિનિયર ફિઝિશિયન ડોક્ટર સિંહ સાહેબ ઓર ડોક્ટર વિનય પટેલ યે ભી ફિઝિશિયન હૈ. આજ કી યે કોન્ફરન્સ બુલાને કા મુખ્ય એમ યે થા કી જો કોરોના વાયરસ કી મહામારી હમારે દેશ કે ઉપર મંડરા રહી હૈ उसके लिए हमें बहुत ही गंभीर रूप से सावचेती से और सावधानी से उसको निपटना होगा, नहीं तो उसकी कोई ट्रीटमेंट अभी तक फुल प्रूफ है नहीं. तो हमको कितना केयरफुल रहना है, हमको भयभीत नहीं होते, उतना भय और डर तो रखना ही पड़ेगा कि ये हम किसी और कहीं से हमें ना लग जाए और हम कहीं और फैला ना दें. हिंदुस्तान में उसको उसके बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, हम उस स्टेज पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. और जैसे मैंने आगे भी बताया कि हिंदुस्तान में डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत ही कम है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर केसेस बहुत ही बढ़ गए तो दर्दी पेशेंट पॉपुलेशन के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो सकता है. और आपका संक्रमण अगर डॉक्टरों को भी लग गया, नर्सिस को लग गया, पैरामेडिकल स्टाफ को लग गया, तो और भी कम हो जाएंगे आपको ट्रीट करने के लिए. तो सतर्कता ही, सावधानी ही इसका उपाय है. ये अफवाह फैली, रूमर फैला हुआ है कि जो फॉरेन से आए वो पॉजिटिव केसेस है वापी में खासकर, ऐसा नहीं है. 56 लोग फॉरेन से ट्रैवल करके यहाँ पर वापी में आए हैं, तो उसमें ऐसा है कि दे वर ऑलरेडी स्क्रीन एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे उनका स्क्रीनिंग ऑलरेडी हो चुका है, पर उसके बाद भी गांधीनगर ये इन्फॉर्मेशन गई कि वापी वलसाड़ के जो भी पैसेंजर्स फॉरेन ट्रैवल करके आए हैं उनका ये लिस्ट है. तो यहाँ की हेल्थ लोकल टीम है, वो वहां जाके इंडिविजुअली सबको मिली, उनको चेक किया, उन्होंने सारे नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, और उनको एक होम क्वारंटाइन का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने के लिए कहा गया है. उसमें से 23 तो ऑलरेडी 14 दिन का क्वारंटाइन फॉलो करके बाहर आ गए हैं, मतलब उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी है उनमें से कुछ 12 घंटे में ही मृत हो जाता है. तो ये साइंटिफिकली कितना प्रूव हो सकता है? देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही साइंटिफिक है और हम सबको उसको जरूर कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये जो वायरस है जनरली जो खांसी छींक में जो उसके जो वायरस निकलता है या तो किसी सरफेस पे गिर जाता है, टेबल पे गिरेगा, आपने कहीं उसको किसी हैंडल को पकड़ा हो, लिफ्ट में जा रहे हो, एवरेज इनकी लाइफ 10-12 घंटे ही रहती है सरफेस पे. तो अगर 12 घंटे कोई भी व्यक्ति उस वायरस के कॉन्टेक्ट में ना आए तो एक तो वो किसी व्यक्ति को उसका इन्फेक्शन नहीं लगेगा और उस समय तक 12 घंटे में ये वायरस जो होगा खत्म भी हो चुका होगा और इसका इन्फेक्टिविटी एकदम खत्म हो जाती है. इसलिए सरकार ने बड़ा सोच समझ के 14 घंटे का ये जनता कर्फ्यू रखा है. और ऑल दो ये जो है आपने देखा हो बहुत ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, बट हमको सेल्फ डिसिप्लिन रह के अपने आप को कर्फ्यू में पार्टिसिपेट करना है और कोशिश यही करना है कि बहुत जब तक लाइफ सेविंग कोई जरूरत न पड़े बाहर घर के ना निकले और कोऑपरेट करें, अपनी फैमिली को भी इसमें शामिल करें, सोसाइटी को शामिल करें, उससे हम ना कि अपने आप को, अपने फैमिली को, स्टेट को और कंट्री. थैंक यू भाई.